पूर्वोत्तर रेलवे प्रशासन कोविड-19 के संक्रमण को रोकने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। इस चुनौती से निपटने के लिए पूर्वोत्तर रेलवे के यांत्रिक कारखाना गोरखपुर एवं इज्जतनगर में ट्रेनों की बोगियों को आइसोलेशन वार्ड का रूप देने का कार्य शुरू हो गया है। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए पूर्वोत्तर रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी पंकज कुमार सिंह ने कहा, पूर्वोत्तर रेलवे की ओर से आप सभी को रामनवमी की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। कोरोना वायरस से रोकथाम के लिए पूर्वोत्तर रेलवे नित्य नया प्रयास कर रहा है और उसी क्रम में गोरखपुर वर्कशॉप में कोचेज को आइसोलेशन वार्ड में तब्दील किए जाने की प्रक्रिया की जा रही है। अभी तक कुल 5 कोच को इस लायक बनाया गया है कि उसमें आइसोलेशन वार्ड की फैसिलिटी दी जा सके। बाकी जो कोच है उसमें कार्य लगातार किया जा रहा है और आने वाले समय में स्पीड और बढ़ेगी। उम्मीद है कि पर डे हम लोग 8 से 10 कोच को आइसोलेशन वार्ड में तब्दील करने का कार्य करेंगे। कुल 97 कोचेज का टारगेट मिला है अभी गोरखपुर वर्कशॉप को, जिसमें यह कार्य किया जा रहा है। साथ ही साथ गोरखपुर का जो चिकित्सालय है वहां पे आइसोलेशन बेड की 200 पर्सन्स के लिए फैसिलिटी डेवलप की गई है। डॉक्टरों की टीम नॉमिनेट की गई है ऑलरेडी। इसके अतिरिक्त एक और विषय है जिस पर मैं आप सबका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। लगातार देखने में आ रहा है कि कुछ लोग रेलवे ट्रैक पकड़कर उस रास्ते जाने की कोशिश कर रहे हैं या जा रहे हैं। ऐसा करना जानलेवा है, खतरनाक है, क्योंकि मालगाड़ियों का संचालन 24 घंटे लगातार किया जा रहा है। साथ ही साथ इस तरह से रेलवे ट्रैक पे चलना कानून जुर्म है, जिसके लिए अपराध का भी प्रावधान है और सजा हो सकती है। रेलवे से जुड़ी सभी जानकारियां हम लोग अपने ऑफिशियल फेसबुक पेज और ट्विटर पेज के माध्यम से शेयर करते हैं। मैं आप सबसे अपील करता हूं कि हमारे ऑफिशियल फेसबुक पेज एनी रेलवे पर लाइक करें, फॉलो करें। वहां सभी पूर्वोत्तर रेलवे से संबंधित अपडेटेड जानकारी आपको मिलेगी। धन्यवाद।